समय था जब कुम्हार चाक पर घंटों मेहनत कर अपने हाथों से मिट्टी को आकार देकर सुंदर सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे। लेकिन अब यह गुजरे जमाने की बात हो चुकी है। अब कुम्हार हाईटेक हो रहे हैं। कुम्हार अपने हुनर के साथ साथ तकनीक का सहारा ले रहे हैं। कुम्हार अब अपना कीमती समय चाक को घुमाने में बर्बाद ना कर मिट्टी के बर्तन बनाने वाले आधुनिक मशीनों का सहारा ले रहे हैं। मशीनें भी ऐसी हैं जो बहुत कम समय में हजारों मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाने की क्षमता रखती है, जिसमें मेहनत भी कम लगती ही है और साथ ही साथ समय की भी बहुत बचत हो रही है। मुरादाबाद के समतल गांव में मशीनों का उपयोग कर खुद को खुशहाल बनाने वाले कुम्हार कहते हैं कि हुनर में तकनीक के इस्तेमाल में उनकी जिंदगी ही बदल गई है। कल तक जो लोग हमको सिर्फ दीपावली पर ही याद किया करते थे, वही लोग अब उनको साल भर बहुत अच्छा काम दे रहे हैं, जिसका कारण यह मशीन है। मशीन से बनने वाले सुंदर और आकर्षक मिट्टी के चाय के कप, कुल्हड़, गिलास की मार्केट में बहुत अच्छी मांग है। कुम्हार दयाराम कहते हैं कि यह मशीन वह पंजाब से 4 लाख की लेकर आए हैं। पहले कुछ दिन उन्होंने इसे चलाने का प्रशिक्षण लिया और फिर अपने यहाँ गांव में लगाकर काम शुरू किया। आज वह मशीन की बदौलत कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। कुम्हार मित्रपाल ने बताया कि पहले चाक अपने हाथ से चलाना पड़ता था, उसके बाद मिट्टी के बर्तन तैयार करते थे। चाक धीमा होने पर चाक को फिर से चलाना पड़ता था, लेकिन अब इलेक्ट्रिक चाक आ गए हैं जो इन्वर्टर से भी चलाए जा सकते हैं। इसकी वजह से समय और मेहनत की बचत तो होती ही है, साथ ही हमारी आय भी बढ़ गई है। मशीन की वजह ही है जो परिवार के काम छोड़ चुके थे, वह अब दोबारा अपने पुश्तैनी काम में दिलचस्पी ले रहे हैं। पहले काम की स्थिति ये थी, मतलब पहले हाथ से बनाते थे चाक से। अच्छा। तो इतना मार्जिन नहीं था उसमें। अच्छा, पहले मिट्टी कैसे करते थे? पहले मिट्टी जो हाथों से गूंथते थे। कितना समय लगता था उसमें? लगभग लगता थे 2 घंटे। अब काम कितना आसान हो, किस तरीके से कर रहे हैं आप? अब हमने ये मशीनें लगा ली, अब 1 घंटे की मिट्टी चलती है 2 दिन। अच्छा। मशीन से इतना फायदा है, मेहनत भी कम है, काम ज़्यादा है। मार्केट में किस तरह की उत्पादों की मांग ज़्यादा है? मार्केट में जब तो सबसे ज़्यादा मिट्टी की गिलासों की ज़्यादा है। अच्छा। चाय में, लस्सी में। क्या आपकी गिलासों की ज़्यादा मांग आती है या फिर जो हाथ वाले उनकी ज़्यादा डिमांड आती है? इसकी ज़्यादा आती है, डिज़ाइन वाले की। अच्छा, आपसे जानना चाहिए कहाँ से आपने ये तकनीक सीखी, कहाँ से लाई, ये सब कितना खर्चा लगा? ये हमने पंजाब से लाए थे हम मशीनें, ये हमने देखा था चलता हुआ काम ये। अच्छा। फिर काम भी हमारे यही था, चाक से चलाते थे, फिर हमारे दिमाग में आई कि हम मशीन लगा लें। अच्छा। तो इस टाइप से काम करा हमने ये और उसका सही चल गया काम। कितने की पड़ी थी मशीन ये? सारा सिस्टम बैठा हमारा 4 से 4.5 लाख रुपए खर्चे में आ गया। क्या अब इस मशीन से कितना फायदा हो रहा है? इस मशीन से फायदा कर लेते हैं, मतलब 2000 बना देते हैं एक दिन में गिलास। अच्छा। 2-3 हजार। यानी अब समय बच रहा है मशीन से? हाँ, समय बच रहा बहुत चाक से। चाक से तो ऐसे बनते हैं 700-800-1000 से हद है बस। इसमें तो जो आपका प्रोडक्शन है उसके हिसाब से डिमांड कितनी है? इसकी तो डिमांड बहुत है, इसकी कोई लिमिट ना कर पाते हो। दे रखा है यहाँ पर कितने लोग काम करते हैं? यहाँ पर 4 बंदे काम करते हैं। पहले हम थोड़ा वैसे काम करा करते थे, मजदूरी वजदूरी करा करते थे, 200-250 रुपये मिल जाया करते थे। अब जो उसमें थोड़ा रोचक नहीं था मुझे, तो इस वजह से इसी काम पर आ गए थे। जो मिट्टी का आइटम थोड़ा ज़्यादा बन रहा है, तो इस वजह से ज़्यादा बनाया जा रहा है, तो इसी काम के लिए लग गए, तो इसमें थोड़ा सही हो जाता है। हाँ, प्लास्टिक के लिए प्लास्टिक बंद हो गई है, उसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा हो गया है। कुल्हड़ जा रहे हैं प्लास्टिक बंद होने से, चाय के लिए, दूध के लिए, खीर के लिए, और सभी उसके लिए जा रहे हैं ये कुल्हड़ प्लास्टिक बंद होने से। प्लास्टिक बंद होने से फायदा हो गया है हमें थोड़ा बहुत। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।